मध्य प्रदेश की रीवा की ओर ले चलते, जहां पर पंचायत कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेशों की उड़ाई धज्जियां आदेश की कर रहे हैं अवहेलना। ज्ञात हो जनपद पंचायत रीवा में पूर्व पदस्थ लेखपाल रामचंद्र पांडे और नागेंद्र मिश्रा एडीओ का जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा के द्वारा जनपद पंचायत रीवा से आगामी आदेश तक के लिए पूर्णकालिक रूप से कार्यालय जनपद पंचायत जवा में अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। इनको रिलीविंग में 5 मार्च को ही रिलीविंग इनको कर दिया था अपराह्न में। नियमानुसार इनको 5 तारीख अपराह्न के बाद 6 के बाद इनको संबंधित क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। जैसे नागेंद्र मिश्रा एडीओ को त्योथर में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए और रामचंद्र पांडे को अपनी उपस्थिति जवा में दर्ज अब तक करा लेनी चाहिए। लेकिन अभी जो कि बीच में अभी माननीय हाईकोर्ट चले गए थे शासकीय काम से, कई जवाब दावा प्रस्तुत करना था, पता चले कि लोग जनपद में मेरी अनुपस्थिति में भी आते रहते हैं और यह एक अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और मैं इस संबंध में मतलब अपने वरिष्ठ अधिकारी मतलब माननीय सीओ साहब से मैं इस संबंध में जिला पंचायत सीओ सर से मैं मतलब मौखिक रूप से और लिखित रूप में भी अवगत कराऊंगा कि ये लोग ज्वाइनिंग न दे करके जनपद में आकर के कहीं ना कहीं फिर से वही अव्यवस्था फैलाने में लगे। सर, स्थानांतरण और रिलीविंग 1 हफ्ते हो गए हैं फिर भी जनपद रीवा में ही आ रहे हैं, तो इसकी क्या मुख्य वजह है? इनकी मुख्य वजह है कि जैसे कि पूर्व में जिन आधारों पर इनको यहाँ से हटाया गया था, जैसे ये लोग आपसी कर्मचारियों से मिल करके षड्यंत्र रचना, काम न करना, काम में बाधा डालना, मतलब ये था, इस कारण से मतलब इनको यहाँ से हटा दिया गया है, तो नियमता इनको तुरंत चले जाना चाहिए। लेकिन ये अपने वही पूर्वत अनुशासनहीनता का काम फिर कर रहे हैं जो कि इनके सिविल सेवा आचरण के खिलाफ है और इनका यहाँ पर अब तक भी रोज नियमित रूप से आना, अवैध तरीके से बने रहना या पूर्व में सिद्ध करता है कि ये लोग गलत हैं और ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक काम में बाधा डालते हैं, शासकीय कार्य में अब बाधा डाल रहे हैं। चूँकि इनको यहाँ से बाहर मुक्त कर दिया गया है, यहाँ से रिलीविंग कर दी गई है कि आप अपनी ज्वाइनिंग दें और इसके बावजूद भी जनपद में आना, बैठक में उपस्थित रहना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये मतलब सिविल सेवा आचरण के खिलाफ और इन पर मैं कठोर अनुशासन कार्रवाई के लिए प्रस्ताव जिला पंचायत सीओ सर को भेजूंगा।